नगर निगम में कार्यरत सफाई कर्मचारी बुद्ध पुत्र स्वर्गीय जमील की लंबी बीमारी के बाद निधन हो पर गुरुवार को महापौर सीताराम जायसवाल की अध्यक्षता में नगर निगम परिसर स्थित पार्क में एक शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सफाई कर्मचारी बुद्ध पुत्र स्वर्गीय जमील के निधन पर पार्षद, अधिकारी एवं कर्मचारियों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 2 मिनट का मौन रखा और ईश्वर से प्रार्थना की गई कि दिवंगत के आत्मा को शांति मिले एवं शोक संतप्त परिवार को इस पर अपार दुख को सहन करने की ईश्वर शक्ति प्रदान करे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, नगर निगम गोरखपुर के स्वास्थ्य विभाग में सफाई कर्मी के पद पर कार्यरत श्री बुद्धू पुत्र स्वर्गीय जमील का आकस्मिक निधन आज दिनांक 30/4/2020 को हो गया है। नगर निगम के माननीय पार्षदगण, समस्त अधिकारी एवं कर्मचारीगण शोक प्रस्ताव पारित करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत आत्मा को शांति मिले एवं शोक संतप्त परिवार को इस अपार दुख को सहन करने की ईश्वर शक्ति प्रदान करे। आज कर्मयोगी एक सफाई कर्मचारी जो लगभग 1 महीने से बीमार चल रहा था, उसका इलाज हो रहा था, जिसका नाम है बुद्धू पुत्र जमील। जमील नाम का सफाई कर्मचारी था जिसका आज निधन हो गया है। उसके निधन पर पूरा नगर निगम परिवार शोकाकुल है। हम लोगों ने इस कर्मयोगी को नगर निगम के तरफ से श्रद्धांजलि दी गई है, जिसमें हमारे नगर आयुक्त, चीफ इंजीनियर, चारों अपर आयुक्त और सभी हमारे कर्मचारी, अधिकारी और पार्षदगण, हमारे उपसभापति यहाँ पर मौजूद रहे हैं। श्रद्धांजलि के बाद हम लोगों ने 2 मौन रख कर ईश्वर से प्रार्थना की है कि उसकी आत्मा को शांति प्रदान करें।